नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के आठवें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है पूरी दुनिया में, वैसे वैसे कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, टूल्स और वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसकी मदद से कम लोगों को युद्ध की शुरुआत में जमीन पर उतारकर, बैटलफील्ड पर उतारकर युद्ध को शुरू किया जा सके और साथ ही में एनिमी पोजिशंस को एक्यूरेटली हिट करके उनकी जो डिफेंस वॉल है उसको ब्रेक किया जा सके या तो वीक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा एनिमीज को मारा जा सके। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें ऑलरेडी आर्टिलरी और मिसाइल्स यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिसमें सैटेलाइट और एआई का यूज करते हुए एनिमी पोजिशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है शुरुआत में ही और उनको टारगेट किया जाता है, एंगेज किया जाता है। इसी प्रकार के सिस्टम्स में आ जाते हैं कामिकाज़ी ड्रोन्स जिनको यूज करके एनिमी पोजीशंस को डायरेक्टली हिट किया जा सकता है। साथ ही में ड्यू आ जाते हैं जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसका यूज करके जो एरियल व्हीकल्स हैं या फिर जमीन पर जो व्हीकल्स हैं या फिर एनिमी पोजीशंस हैं उनके ऊपर डायरेक्टली हाई एनर्जी बीम्स के थ्रू अटैक किया जा सकता है और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी प्रकार का एक और सिस्टम है जिसका नाम है कैप्स, उसी के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में हाल में सभी कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और भारत में भी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस अपडेट समझ पाए और इसके ऊपर अगर अपना योगदान दे सके तो वो दे पाए। खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैट्स, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, वो एक इस प्रकार का वेपन सिस्टम बनाया गया है जिसको फाइटर जेट्स के साथ अटैच किया जा सके, जिससे फाइटर जेट की जो वेपन्स कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जा सके बाय मेनी पोल्स। अब इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और अभी भी इसके ऊपर जैसे हमने बताया कि काम चल रहा है, तो कुछ एम्बिग्यूटीज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी आना बाकी है, लेकिन जिन पार्ट्स को हाल में ऑलरेडी एग्जिबिट कर लिया गया है या फिर उसको डेवलप किया जा रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे सिस्टम के लिए जो मेन डिवाइस डिजाइन किया गया है HAL द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, उसका नाम है कैट्स वॉरियर विंगमैन ड्रोन। ये एक इस प्रकार का ड्रोन डिजाइन किया गया है जो अपने साथ मल्टीपल मिसाइल्स कैरी कर सकता है और इसको LCA तेजस के साथ अटैच किया जा सकेगा, जिसके बाद तेजस एक पोजीशन पर पहुंचकर इसको रिलीज कर देगा और वो दोनों ही अपने अपने इंडिविजुअल वर्क पे लग जाएंगे। इसके लिए LCA तेजस का जो खास मॉडल यूज किया जा रहा है वो 2-सीटर मॉडल है, क्योंकि ये जो कैट्स वॉरियर विंगमैन ड्रोन है उसको तेजस से, जिसको मदरशिप भी कहते हैं, उसके ऊपर से ऑपरेट किया जाएगा। तो उसी के चलते LCA तेजस का 2-सीटर मॉडल यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर वॉरियर विंगमैन है उसमें कुछ पर्टिकुलर मिसाइल्स लगी होंगी, जिसमें से एक मिसाइल है SAAW यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और दूसरी है NGCCM जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जेन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल। तो उसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर वॉरियर विंगमैन ड्रोन डिजाइन किया गया है उसके ऊपर अलग से मिसाइल्स लगेंगी और साथ ही में LCA तेजस जो है उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम अटैच की जाएगी। अब उसी में ये जो पूरा प्रोग्राम है कैट्स में, उसमें दूसरा एक जो पोर्शन है वो है कैट्स हंटर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें एक क्रूज मिसाइल लगाई जाएगी जो कि LCA तेजस के ही एक स्लॉट में लगी होगी, जो एनिमी पोजीशंस को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल है। अब तीसरा जो पोर्शन है ये पूरे कैट्स प्रोग्राम का वो है इन्फिनिटी सूडो सैटेलाइट। ये जो इन्फिनिटी सूडो सैटेलाइट है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करेगा, यानी कि सी लेवल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर वो फ्लाई करेगा और वो ऑपरेट करेगा सोलर पावर का यूज करके। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि वो एनिमी मूवमेंट्स को एनिमी टेरिटरी में ट्रैक करेगा और साथ ही में वो जो डेटा उसने कलेक्ट किया है वो यहाँ पर वॉरियर विंगमैन को भेजेगा, जिसके बाद वॉरियर विंगमैन अपने हिसाब से टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके एंगेज करेगा। तो इसी प्रकार से ये जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं वो इन कोऑर्डिनेशन काम करेंगी और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से वो और भी एफिशिएंटली काम कर पाए।
ये जो पर्टिकुलर सूडो सैटेलाइट है वो काफी ही हाइट पर होगा, तो उसको डिटेक्ट करना काफी ही मुश्किल होगा। और उसका जो एंड्योरेंस ड्यूरेशन बताया जा रहा है, यानी कि उसकी जो फ्लाई करने की क्षमता है, वो 90 दिन की बताई जा रही है। साथ ही में वो रिमोट लोकेशन पर 4G और 5G नेटवर्क्स भी अवेलेबल करवा सकता है। तो इसी प्रकार से ये भी एक बहुत ही बड़ा अपग्रेडेशन है, खास करके युद्ध के समय में, जब किसी भी जगह पर कोई भी तकनीकी चूक होना एक बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो इसी तरह से इसका थर्ड पोर्शन हो गया इंफिनिटी सूडो सैटेलाइट, और फोर्थ पोर्शन जो है इस पर्टिकुलर कैट्स वेपन सिस्टम का, वो है अल्फा एस ड्रोन्स। ये बेसिकली स्वार्मिंग ड्रोन्स हैं, यानी कि मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ इन कोऑर्डिनेशन काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, लिंक करके, उनका एक स्पेसिफिक फ्लाइट फॉर्मेशन होगा, और ये जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ग्राउंड पर किसी भी टारगेट को एंगेज करने के लिए काम में लिए जाएंगे। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलसीए तेजस में एक पॉड लगा होगा और हर एक पॉड में 4 अल्फा एस ड्रोन्स इंक्लूडेड होंगे। ये बताया जा रहा है कि एलसीए तेजस ऐसे 4 अलग अलग पॉड्स अपने साथ कैरी कर सकता है, यानी कि वो अपने साथ 16 अल्फा एस ड्रोन्स को कैरी कर सकता है और जब चाहे तब रिलीज कर सकता है, खास करके एनिमी टेरिटरी में जाकर। और इसमें भी खासियत यह है कि उसका जो पॉड है, जो कैरियर है, उसकी जो फ्लाइट कैपेबिलिटी है वो 100 किलोमीटर की है, और वहां जाकर वो ड्रोन्स को रिलीज कर देगा, और उसके बाद ड्रोन्स अपने हिसाब से इंडिविजुअली और इन कोऑर्डिनेशन ऑपरेट करेंगे, और जो एनिमी एयरक्राफ्ट हैं या फिर एनिमी पोजिशन हैं ऑन द ग्राउंड, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करेंगे और उनको अटैक करेंगे। तो इसी प्रकार से ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम बनाया गया है, खास करके जो एनिमी डिफेंस वॉल है उसको पेनिट्रेट करने के लिए और उसको ओवरवेलम करने के लिए, कि सिंगल एयरक्राफ्ट के साथ अगर 16 अलग अलग ड्रोन चल रहे हैं तो उनको हर एक को आइडेंटिफाई करके टारगेट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और ऐसे अगर समझ लीजिए कि 5 अलग अलग एयरक्राफ्ट एक साथ में चल रहे हैं, तो टोटल 80 ड्रोन्स प्लस वो 5 अलग अलग एयरक्राफ्ट चलेंगे, तो टोटल 85 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वहां पर हो जाएंगे एक साथ में ही। तो एनिमी की जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये जो पूरा चक्रव्यूह हवा में रचा जाएगा सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट का यूज करके, उसको भेदना काफी ही मुश्किल हो जाएगा और एनिमी पोजीशंस को टारगेट करना हम लोगों के लिए काफी ही आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अल्फा एस ड्रोन्स इसमें लगाए जाएंगे। अब ये भी बताया जा रहा है कि SU-30 के लिए भी इसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो उसके स्लॉट्स में भी अटैच हो सके, और उसमें जो कैपेसिटी है इन पॉड्स को कैरी करने की, वो एलसीए तेजस से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो अगर एक साथ मल्टीपल SU-30 फ्लाई करते हैं इन सब पॉड्स को लेकर, और उनको जैसे ही वो रिलीज करते हैं वैसे ही एक बहुत ही बड़ा एरियल अटैक एनिमी पोजीशंस के ऊपर किया जा सकता है, और इसको देखने के साथ ही दुश्मनों के पसीने छूट सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसको कैट्स नाम दिया गया है, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें सभी जो अलग अलग वेपन्स हैं वो इन कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, और साथ ही में इंडिविजुअल काम करने के लिए भी कैपेबल बनाए गए हैं। इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है, और अगर अल्फा एस ड्रोन्स सक्सेसफुली डेवलप और टेस्ट हो जाते हैं तो इंडिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री होगा जिसके पास इस प्रकार के सिस्टम होगी। इसके ऊपर पूरी दुनिया में, चाहे वो US हो, UK हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, ये सभी कंट्रीज वर्क कर रही हैं, लेकिन किसी के भी पास ये सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उसी पर चलते हुए अगर ये वर्क करने लगता है तो ये सबसे पहला सिस्टम होगा पूरी दुनिया में जो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। और ये सिर्फ भारत के डिफेंस के लिए ही नहीं, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी काफी ही कारगर साबित हो सकता है। तो इसी प्रकार से एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसको पूरी दुनिया बहुत ही नजदीक से देख रही है, लेकिन कुछ एम्बिग्यूटीज रखी गई है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, पूरी दुनिया में इस प्रकार का सिस्टम अभी तक एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, यूज में नहीं लिया जा रहा है। तो उसी पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और खास करके ये जो वेपन सिस्टम कैट्स डेवलप किया गया उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।